हे सोल्जर्स, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट ब्लैक हैंड। अगर आप T3 अरेना गेम के अंदर अपने डेटा को सेव करना चाहते हैं या फिर आपने गेस्ट लॉगिन कर लिया है और आप चाहते हैं कि मेरा डेटा पूरी तरीके से सुरक्षित रहे, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आपका जो भी डेटा है, जो भी आपने गेस्ट लॉगिन में खेला था, वो सारा का सारा सेव रहेगा। वो किस तरीके से सेव करना है मैं अब आपको बताने वाला हूं। तो आपको सबसे पहले राइट साइड में जो 3 लाइनें आ रही हैं उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में ऑप्शंस पे क्लिक करना है। इसके बाद अकाउंट्स पे क्लिक करना है और माय अकाउंट आपको लिखा हुआ नज़र आएगा। इसके बाद में आप जिसमें भी आप अपना डेटा को सुरक्षित करना चाहते हैं, अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे जितनी भी दे रखे हैं बाइंड, वहाँ से आप कर सकते हैं कि भाई आपको टैप अकाउंट बनाना है या फेसबुक अकाउंट बनाना है। अगर आपके पास में आईफोन वगैरह है तो आप एप्पल अकाउंट बना सकते हैं या फिर आप गूगल अकाउंट बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर गूगल अकाउंट बनाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर बाइंड पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास में अकाउंट लिखा हुआ आ जाएगा, कहेगा कि आप कौन सा अकाउंट यहाँ पे चूज़ करना चाहते हैं। जैसे मैं पहले वाले को चूज़ कर लेता हूँ। जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर अभी ये मेरा अकाउंट इससे बाइंड हो चुका है। आप देख पा रहे हैं साइड में अब बाइंड लिखा हुआ नहीं आ रहा है, यानी कहने का मतलब जो भी मेरा डेटा था वो सारा का सारा इसमें सेव हो गया है। और आपको मेरा यहाँ पे नाम वगैरह नज़र आ सकता है, जो कि अभी मैंने हाल ही में चेंज किया है, वो है फायरफिश के नाम से आ रहा है। तो इस तरीके से आप अपना अकाउंट इसमें सेव कर सकते हैं और जो गेस्ट लॉगिन में जितना भी डाटा आपने खेला था, जितना भी आपने प्रोग्रेस किया था गेम के अंदर, वो पूरा का पूरा सेव रहेगा, वो डिलीट नहीं होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो आप इसको लाइक एंड शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।